हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिला में जेपी हाइड्रो के खिलाफ मजदूर किसान का आंदोलन और तेज हो गया है। कंपनी के 1300 मजदूर वेतन बढ़ोतरी और श्रम कानून को लागू करने की मांग को लेकर 42 दिनों से हड़ताल पर हैं। मजदूरों के साथ अब किन्नौर जिला के किसान भी उनके साथ आ गए हैं। मजदूर किसानों ने टापरी नामक स्थान से रैली निकाली और जेपी कंपनी के गेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल समेत जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के IG स्तर के अधिकारी कंपनी मुख्यालय की सुरक्षा में जुटे थे। प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस, भाजपा, माकपा, NCP और आपके नेताओं ने भी संबोधित किया और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने ऐलान किया है कि कंपनी और प्रशासन के खिलाफ 2 मार्च को फैसला लेंगे। कार्यरत मजदूरों ने जो मांग पत्र दिया उसको सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए हमने मांग आज रैली है। बाकी जो प्रभावित किसान आए हैं कच्छम वांगतू प्रोजेक्ट से, इसकी मांग है दरारों का है, प्रदूषण का पैसे का है, लाडे का पैसे कैटपान का है, वो दीस को दिया नहीं है। मैं ऐसा महसूस हो रहा है कि अड़ियल रवलिया कुल्लू ये किन्नौर का प्रशासन और अड़ियल रवैया JP मैनेजमेंट रख रही है। इस आंदोलन में जो किसान मजदूर की एकता बनी है, जो किसान मजदूर के मसलों को लेकर, जो रॉयल्टी के क्वेश्चन को लेकर, ये लाडा के पैसे को लेकर, मजदूर की दिहाड़ी के प्रश्न को लेकर, मजदूर को पक्का करने के प्रश्न को लेकर, इन प्रश्नों को लेकर 2 तारीख को पूरे किन्नौर का जो गरीब मजदूर और किसान है वो एकजुटता दिखाते हुए वो दोबारा यहाँ पर हाजिर होगा। हाँ, डूब गए, दोनों नंगे थे बच्चे, रात के 12 बजे निकाले, फिर दूसरे दिन उनको कल्पा ले गया। पिछले एक हफ्ते से हमारा बिजली और पानी दोनों काट रखा है इन्होंने और हम बहुत ही परेशान हैं। कभी होटल में खाते हैं, कई बार भूखे रह जाते हैं, हमारी यूनियन में खिचड़ी खिलाती है, उसी के सहारे हम पिछले एक हफ्ते से जीवित हैं। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।